भारत में ध्यान बहुत प्रचलित है और अनादिकाल से है। बुद्ध के पहले भी ध्यान करते थे लोग, जैन जो महावीर हुए उसके पहले भी ध्यान करते थे। सो ध्यान करना ये भारत में बहुत आम बात है और पहले से ऋषि मुनियों से चलता आया है। सिद्धार्थ ने भी बुद्ध बनने के पहले आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, इन गुरुओं के पास जाकर ध्यान साधनाएं सीखी है। और वैसे ही महावीर ने किसके पास सीखी है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखी होगी। सो बाद में योगा प्रचलित हुआ। आज जो है, जो भी आज प्रचलित है, वह प्रचलित ध्यान, योगा और कई तरह की संस्थाएं और कई तरह के अलग अलग बातें जो है अलग अलग तरीके से ध्यान करते हैं। सो ध्यान का उद्देश्य भी लोगों का अलग अलग है। कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, कोई ईश्वर से रूबरू होना चाहता है, कोई किस तरह से कोई मन को शांत रखने के लिए ध्यान करता है। तो ध्यान का भारत में अलग अलग तरीके से अपनी अपनी व्याख्याएं हैं और अपने अपने अंदाज हैं और अपनी अपनी स्थितियां हैं। लेकिन हम एज ए बुद्धिस्ट करके, जो बुद्ध ने हमें सिखाया और ध्यान साधना पर इतना मोटा ग्रंथ है, वाचनालय अपने लाइब्रेरी में भी है, जिसका नाम है पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। उसको कहता है विशुद्धि मग्ग, पाली नाम है विशुद्धि मग्ग। तो यह विशुद्धि मग्ग जो आचार्य बुद्ध घोष ने लिखा है, सो बुद्ध ने जो बताया उसके ऊपर अनेक विद्वानों ने जो कमेंट्री की, उस कमेंट्री के साथ आचार्य बुद्ध घोष ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा और सारे बुद्धिस्ट ध्यान साधनाओं को बहुत बारीकी से उसमें वर्णन किया गया है। तो अत्यंत बारीकी से आप देख सकते हैं कि ध्यान की क्या बात है बौद्ध धर्म में। सो बौद्ध धर्म में जो ध्यान है वह ध्यान महत्वपूर्ण है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरे एक प्रसिद्ध लामा हो गए हैं जिनका नाम था गोविंदा, लामा गोविंदा, वो बहुत बड़े लामा हो गए। मूल जर्मन मूल के थे, जर्मन नागरिक थे, भारत में आए, शांतिनिकेतन में उन्होंने पेंटिंग और चित्रकारी सीखी और फिर उन्होंने तिब्बत में जाकर तिब्बतन पेंटिंग्स देखी जो बुद्ध के जीवन से संबंधित थी, और उस पेंटिंग को देखकर वो इतना प्रभावित हो गए और उसके बाद फिर वो लामा बन गए। तो वो बहुत बड़े लामा रहे, उन्होंने अपना एक पंथ निकाला अमेरिका में जाने के बाद। वो इतना, जिसको शब्दों में लिखते हैं कि बौद्ध है तो ध्यान करेगा। जो ध्यान नहीं करेगा वो बौद्ध नहीं हो सकता। इतने सुस्पष्ट तौर पर वो ध्यान का और बुद्धिस्ट जीवन का संबंध जोड़ते हैं। सो ध्यान करना ये बौद्ध जीवन के दिनचर्या का अभिन्न अंग है कि हमने हर दिन अपने दिनचर्या के तहत रोज हर दिन ध्यान करना चाहिए। सो मुख्य उद्देश्य क्या है ध्यान का? सो बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में बहुत अच्छी तरह से इसको स्पष्ट किया है। वो उसमें लिखते हैं कि बुद्ध के शिक्षा में सभी बातों का मन केंद्र है। सो मन जो है वो सभी बातों के केंद्र स्थान में है, सेंटर है, और यह मन
सभी बातों का केंद्र स्थान में है, इसलिए मन पर कार्य करना, मन को अच्छी तरह से संस्कारित करना यह जरूरी है। फिर दूसरी बात लिखते हैं कि जिसने मन को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। ये दूसरी बात लिखते हैं कि जो अपने स्वयं के मन को जानता है वो सब कुछ जानता है, जो अपने मन को जानता है वही ज्ञानी है, वही जागरूक है, वही सब कुछ है। सो बुद्ध बाबा साहब इस तरह से ध्यान मन के बारे में लिखते हैं कि बुद्ध के शिक्षा में ये अहम बात है कि मन केंद्र स्थान में है और मन को जानना ही बुद्ध शिक्षा का सार है। फिर दूसरी बात लिखते हैं कि मन जो है सारे बुराइयों का और सारे भलाइयों का मन में ही उपस्थित होता है। जितनी भी बुराई है वो सारे मन में उपस्थित होती है, जितनी भी अच्छाई है वो भी सारे मन में ही उपस्थित होती है। हाँ, तो सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, जिसको बौद्ध धर्म में कुशल हो या अकुशल हो, सब कुछ मन में निर्माण होता है। तो इसलिए मन को निर्मल बनाना यह बुद्ध शिक्षा में प्रमुख बात है। तो चित्त शुद्धि बुद्ध के शिक्षा का सार है कि अपने चित्त को शुद्ध करो। चित्त शुद्धि से ही सब कुछ है। सो यह बुद्ध के शिक्षा की अहम बात है कि चित्त शुद्धि बुद्ध के संपूर्ण शिक्षा का सार है, जिसको हम अर्क कहेंगे, इंग्लिश में उसको इसेंस कहेंगे। सो बुद्ध शिक्षा का जो इसेंस है वह है चित्त की शुद्धि। तो यह दूसरी बात रही है। फिर तीसरी बात जो है वह देखने की बात है कि चित्त शुद्धि जो है वह चित्त शुद्धि की जो धर्म है वह धर्म ग्रंथों के पाठ पढ़ने में नहीं है, धर्म ग्रंथों का पठन करने में धम्म नहीं है। धम्म जो है उस जो भी शिक्षा है, जो भी तत्व है, जो भी धार्मिक तत्व है, उन तत्वों को अपने व्यवहार में उतारने से सही धर्म है। केवल शब्दों को पठन करने से या शब्द बताने से कोई धार्मिक नहीं होता है। यह बुद्ध के शिक्षा की कुछ अहम बातें रही हैं। सो जो भी इन सारे बातों के बीच में हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी यह सब कुछ जो है यह सब कुछ मन से है, लेकिन हम अपने जीवन में ना हमारे बुजुर्गों ने, ना हमारे परिवारजनों में, ना हमारे किसी इंस्टीट्यूट में हमें ये पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है कि भाई आप अपने मन पर कार्य करो, अपने मन के तरफ देखो, अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करो। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वह केवल मन के तहत करते हैं। मन प्रमुख है, शरीर मन का गुलाम है। सो यह जो मन है इस मन की शुद्धि करने का यह ध्यान साधना है। अब अशुद्ध कैसे है वो बाद में देखेंगे हम कि बुद्ध धर्म में उसको पांच विष कहे गए हैं, जो पांच विष के कारण हमारा मन अशुद्ध होता है। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी हम केवल इतनी उनके नामोल्लेख कर लेते हैं। सो पहली है चंचलता, वो एक अशुद्धि है। दूसरा है द्वेष, वह एक अशुद्धता है। तीसरा है तृष्णा, वो एक अशुद्धता है। चौथा है अहंकार,
पांचवा है मान, अविद्या, अविद्या जिसको हम कहेंगे वो अविद्या है। सो अहंकार और अहंकार की जगह मान कहते हैं, अहंकार उसका हिस्सा है लेकिन मान कहते हैं। तो ये जो पांच जो है, यह पांच विष है, यह पांच अशुद्धियां है। तो इन पांच विषयों से, विषों से हमारा मन विषैला है और इन पांच अशुद्धियों से हमारा मन अशुद्ध है सर्वसाधारण तौर पर। और ये सारी बातें हमारे मन में बहुत प्रभावी है। हमारे मन में द्वेष बहुत प्रभावी है, गुस्सा बहुत प्रभावी है, हमारे मन में आसक्ति, लोभ, तृष्णा ये बहुत प्रभावी है। हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं वो हम नहीं जानते। हम मोह है, अज्ञान है, ये है, मैं जानता हूँ, मैं करते रहता हूँ, वो अहंकार और मान का हिस्सा है। मैं कहाँ है वो नहीं जानते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि मैं हूँ। तो इन सारी बातों को जो है, हर एक में वो बात होता है, हर इंसान इससे ग्रसित है और हर इंसान इससे ग्रसित होने के वजह से उसका मन इस तरह से तैयार हुआ है और इस के कारण उसका जो व्यवहार है वह व्यवहार उसके स्वयं के लिए तकलीफदायक है, दूसरों के लिए भी तकलीफदायक है। तो यह मुख्य मुद्दा है। इसलिए बुद्ध के शिक्षा में मन पर कार्य करना यानी धम्म जीवन जीना है। बुद्ध के शिक्षा के अनुसार अपने चित्त को शुद्ध करना यानी धम्म जीवन जीना है। मन से अशुद्धियां नष्ट करना, मन से द्वेष नष्ट करना, मन से लोभ नष्ट करना, मन से मैं की भावना नष्ट करना, यह बुद्ध की शिक्षा है। और यह यदि हम नहीं करते हैं तो हम बुद्ध के शिक्षा से बहुत दूर हैं। तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब ने जो लिखा और जो सटीक शब्दों में हमारे सामने रखा, बुद्ध एंड इस धम्म में पढ़ लीजिए कि बुद्ध ने किन बातों को स्वीकार किया, किन बातों की खोज की, किन बातों को अहमियत दिया। तो शुरुआत में ही है, धर्मोपदेश शुरू करने के पहले ही, तो बुद्ध एंड इस धम्म से आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो ध्यान साधना है, ये ध्यान साधना का उद्देश्य जो मैंने बताया कि चित्त की शुद्धि, तो इस चित्त के शुद्धि के लिए जो हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं तो ध्यान साधना में क्या क्या होने वाला है, कौन सी उसकी स्टेजेस है, कौन सी स्टेप्स है, कौन से चरण है। सो पहला चरण है आपको, आपके मन को, क्योंकि कोई भी ध्यान करता है आंखें खुली रखते हुए तो ध्यान नहीं करता, शांति से बैठता है, सीधा बैठता है, रिलैक्स बैठता है और सहजता से आंखें बंद करता है। आंखें बंद करने से बाहरी दुनिया बंद हो जाती है। पहला मुद्दा कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो बाहर की दुनिया पूरी तरह से बंद हो गई, कोई पेड़ पौधा नहीं दिखता, कोई इंसान नहीं दिखता, आंखें बंद करो कुछ नहीं दिखेगा। तो फिर क्या दिखेगा, आपका मन दिखेगा, मन में क्या चल रहा है, मन में किसकी प्रतिमा आ रही है, मन में कौन सा विचार आ रहा है, मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में सोच रहा है। तो जो कुछ रहेगा वो मन रहेगा, बशर्ते आप जागरूक हैं। आपको यदि नींद आ रही है तो आपको कुछ नहीं समझेगा, फिर आप नींद में सो जाएंगे। तो यदि आप सजग हैं, यदि जागरूक हैं, तो आपका मन कहाँ कहाँ भाग रहा है आंखें बंद करने के बाद आपको दिखेगा। शायद आप डर जाएंगे, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
तो डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, अपने मन को देखने की जरूरत है कि क्या कर रहा है मेरा मन। तो मन को जानने की ये पहली जरूरत है। जैसे ही आंखें बंद करते होता, फिर दूसरी बात आती है, कान खुला है, आंखें तो बंद कर दी, कान को तो बंद नहीं किया, तो कोई ना कोई आवाज आएगा, पक्षियों का आवाज आएगा, अभी जैसा कुछ तो भी मैं बोल रहा हूं यहां से आकाशवाणी का आवाज तो नहीं आ रहा है, ऐसा कोई संगीत का आवाज आएगा, किसी गाना सुनने को आवाज आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, चिल्लाने का आवाज आएगा, नेचुरल ही आवाज आएगा। तो उस आवाज के तहत फिर सोचने लगेगा, ये किसका आवाज है, ये कहाँ का गाना है। उस गाने से फिर आप उस पिक्चर में पहुंच जाओगे, उस गाने से वो आप और सोचोगे, उस गाने के तहत आप कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाओगे पता नहीं, आप बैठे रहोगे दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं हम, डे ड्रीमिंग, कि हम बैठे हैं आंखें बंद है, हम जागरूक हैं और हम सपना देख रहे हैं, और सपने में इधर उधर हमारा मन भाग रहा है। तो यह तो सबसे पहले बात जो है कि हमें हमारे जो ये पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय से मन को हटाना है। जो भी पंचेंद्रिय है, गंध, कान, आंख, जिह्वा और त्वचा, स्पर्श, ये जो पांच इंद्रिय है, इन पांच इंद्रियों से आपके मन को हटाकर अपने आप में आना है। केवल मन, इंद्रियों के तहत मन जो भी सोच रहा है उसको भगा देना है। सो इंद्रियों के तहत मन की सोच बंद करनी है और केवल मन क्या कर रहा है उसको देखना है। तो ये जो पांच इंद्रिय है, ये पांच इंद्रिय जो है वह मन पर आघात करते हैं और मन फिर कुछ न कुछ करते रहता है। तो यह जो बात है, यह तो पहला स्टेज है, पहला चरण, अपने मन को पांचों इंद्रियों के जो विषय है, आंख का विषय देखना, कान का विषय है सुनना, खाने का विषय है इस तरह से, तो इस तरह से वो देखने की बात है कि हमारे पांच इंद्रियों से अपने मन को अलिप्त करना है, उससे हटाना है, पांच इंद्रियों के पांच विषयों से, स्वाद, स्पर्श, देखना, सुनना, गंध, पांच ये जो विषय है अपने पांच इंद्रियों के, उससे हटाकर केवल मन के तरफ देखने की कोशिश है। तो ये पहला चरण है। दूसरे चरण में फिर ये जो चरण होता है, दूसरा चरण, तो अपने पांच इंद्रियों को हटा दिए, फिर मन क्या कर रहा है, केवल मन क्या कर रहा है, तो वो जो कर रहा है वो जिसको हम निवरण कहते हैं, हिंड्रेंसेस कहते हैं, कि जो कोई भी आपका ध्यान का आलंबन है, जिस पर आप ध्यान करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप एकाग्र होना चाहते हैं, उसको एकाग्र होने के बजाय आपका मन घूम रहा है, आपका मन उस पर नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं न्यूरन, हिंड्रेंसेस या रुकावटें, इस तरह से कि हमें ध्यान में एकाग्र होने के लिए रुकावटें डालती हैं। तो इन हिंड्रेंसेस को अलग करने के बाद फिर आपके यहाँ, आपके मन में फिर सूक्ष्म विचार चलते हैं। मोटे विचार चले गए तो सूक्ष्म विचार चलते हैं। उदाहरण के तौर पर कि कोई तभी एक रॉड है या ये बेल है, मोटा आवाज चला गया, फिर भी आवाज जारी है, आपको नहीं सुनाई देता होगा, मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है। तो उसी तरह से मोटे पैमाने पर हमारे जो निवरण है, हमारे जो विचार है वो स्तब्ध हो गए, लेकिन छोटे पैमाने पर, सूक्ष्म पैमाने पर वो विचार जारी रहते हैं। तो इस सूक्ष्म विचारों को भी शांत करना, ये होती है थर्ड स्टेज, ये तीसरा चरण है।
इस तीसरे चरण को यदि आप पार कर गए तो फिर आप ध्यान अवस्था में पहुंचते हैं, जिसको बुद्धिस्ट सेंस में ध्यान कहा जाता है। तब उस वक्त ये ध्यान की अवस्था है तो आप जागरूक हैं, आप एकाग्र हैं, आप विधायक हैं। सो जागृति, एकाग्रता और विधायकता, इन तीन स्थितियों के साथ आप बहुत अलग ऊंचे अवस्था में रहते हैं। वो बहुत सुखपूर्वक अवस्था होती है। सुख हम बाहर ही ढूंढते हैं, बाहर सुख नहीं है। सुख जो है वह रूप ध्यान के तीसरे अवस्था में है। बाद में हम देखेंगे उसको कहाँ सुख है। तो रूप ध्यान के तीसरे अवस्था में सुख है, जो आपके मन से उभर कर आता है। बाहर के किसी भी चीज में सुख नहीं है। तो आपके मन से उभर कर जो सुख आता है, जो हम सुख चाहते हैं, वो हमारे अंदर है। आप ध्यान में इस स्थिति तक पहुंचते हैं। ये चौथा चरण है ध्यान का। तो इस चौथे चरण में आप इस स्थिति तक पहुंच गए। इसको कहते हैं बुद्धिस्ट सेंस में रूप ध्यान की अवस्था है। और जब ये रूप ध्यान के अवस्था के आगे का चरण है, जिसमें आपको हम विपश्यना की साधनाएं कहते हैं, जिस विपश्यना के तहत, विपश्यना ध्यान के तहत आपको बुद्ध के शिक्षा का अनुभव लेना है, बुद्ध के शिक्षा से रूबरू होना है। क्या है बुद्ध की शिक्षा? आपने अच्छी तरह से पढ़ी, जो भी प्रशिक्षणार्थी है और जो प्रशिक्षणार्थी नहीं है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुना होगा या जाना होगा कि यह जो है सब कुछ अनित्य है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। पत्ती हरी है, पीली होती है, झड़ जाती है। अब देखो, रात की नींद में किसको पता था? केरल में पहाड़ के नीचे का एक गांव का गांव पूरी तरह से दब गया। अभी जो लैंडस्लाइड हुआ, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया एक क्षण में, रात भर में। किसको पता था? गहरी नींद में सोए थे, बारिश आई, पहाड़ टूटा, पूरा का गांव दब गया। तो कुछ नैसर्गिक हो, सुनामी आई थी, क्या हो गया सुनामी में? पूरे के पूरे खिलौने के जैसे कार जो है वो उड़ने लगी लहरों के तहत। तो वो हो या नैसर्गिक तौर पर हो, वैसा नहीं भी होगा तो भी नैसर्गिक तौर पर चीजें जैसी की वैसी नहीं रहती है। तो लोग सब, इंसान 100 साल भी जिएगा फिर भी बूढ़ा होकर मरेगा ही। तो ये जीवन की जो सच्चाई है, इस सच्चाई को अनुभव करना, इसको बुद्ध धर्म में अंतर्दृष्टि कहा जाता है। मैं नहीं हूं, इसको अंतर्दृष्टि कहा जाता है। हम जानते हैं मैं हूं, मैं के लिए ही सब कुछ करते हैं। मेरा अपमान किया, मेरा पैसा चुराया, मेरा ऐसा किया, मेरा वैसा किया, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा नहीं है, इसी के लिए हम चिल्लाते रहते हैं और इसी के लिए हम परेशान भी रहते हैं। बुद्ध धर्म शिक्षा के अनुसार कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, मैं है ही नहीं, मैं है तो साथ में लेके जाओ, तुम्हारा है तो लेके जाओ साथ में, कुछ भी तो नहीं आता साथ में, शरीर भी नहीं आता, शरीर भी जल जाता है, सड़ जाता है, कुछ भी नहीं आता साथ में, कहां है मैं? तो ये जो सारी बातें हैं, ये रूबरू करने की बातें, प्रत्यक्ष अनुभव करने की बातें हैं। एक अबिदा परवीन नाम की गायिका है, वो गाती है, मरने से सब डरे मेरे मन आनंद, कब मरू कब पाऊ परमानंद। किसी संत का, सूफी संत का दोहा है या कबीर का दोहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से ये पेश करती है, बहुत इमोशनली होकर पेश करती है। तो यह जो बात है, मैं अपने मृत्यु का सामना कर सकूं, मृत्यु को देख सकूं, तो वह जो है यह कहते हैं अंतर्दृष्टि।
तो इस अंतर्दृष्टि के प्राप्ति के लिए ध्यान करना है, और जब यह अंतर्दृष्टि आ जाएगी तो आप कोई सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, कोई भी सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं रहेगा, वो बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्ति होगा जो इस अंतर्दृष्टि को पहचानेगा। सो जो भी बातें हैं, इन पांच चरणों से बुद्ध धर्म में ध्यान साधना है, और यह बुद्ध धर्म के ध्यान साधना का ध्येय है कि मुझे जो बौद्ध धर्म में है मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं अच्छा इंसान करके जीना चाहता हूं, मैं सुख और समाधान के साथ जीवन बिताना चाहता हूं, मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी मेरी तकलीफ न हो इसके लिए जीना चाहता हूं, मेरे से कोई परेशान न हो, मेरे से कोई तकलीफ न आए, उस तरह से मैं जीना चाहता हूं, और मैं अपना उदाहरण भी दूसरों के सामने पेश करना चाहता हूं कि देखो मैं कितना सुखी हूं, मैं कितना शांत हूं, मैं कितना समाधानी हूं, बताते हुए ढिंढोरा नहीं पीट रहा है वो, लेकिन केवल वो अपने अस्तित्व से दूसरों को एहसास करा दे रहा है। तो इस तरह से एक जिसको जीवन कहते हैं, जीवन जीना कहते हैं, एक श्रेष्ठ जीवन जीना कहते हैं, वह ये बात है। तो वो श्रेष्ठ जीवन के लिए जो है यह करना है। इससे ना आपको कोई डिग्री मिलेगी, इसके ना क्या कोई पद मिलेगा, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो कोई भी श्रोतापन्न होता है वो चक्रवर्ती सम्राट से भी श्रेष्ठ है। बुद्ध वचन क्या कहता है कि जो भी ये श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करेगा, बुद्ध तो बहुत दूर है वहां से, लेकिन जो भी ये अवस्था प्राप्त करेगा, जिसको भी ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि हाँ मैंने अपने मृत्यु का सामना कर लिया है, मृत्यु को देख लिया है, मैंने अनित्यता अनुभव कर ली है, मेरे अंदर मैं नहीं है, यह जिसने भी जान लिया, तो वह इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से भी श्रेष्ठ है। ये बुद्ध की शिक्षा है। तो यह जो बात है इसको कहा गया इनसाइट, यह है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि वो है कि मेरे अंदर मैं नहीं है, अंतर्दृष्टि ये है कि ये सब अनित्य है, अंतर्दृष्टि ये है कि ये जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द है यह सब कुछ पोटेंशियली इसमें दुख निर्माण करने की क्षमता है। जिस जो कोई भी मेरी चाहत है वो मेरे लिए दुख निर्माण करने की क्षमता है। मेरे परिवारजन मेरे लिए दुख निर्माण करते हैं, मेरे पड़ोसी मेरे लिए दुख निर्माण करते हैं, मेरा पैसा मेरे लिए दुख निर्माण करता है, मेरा शरीर मेरे लिए दुख निर्माण करता है। सो जो भी ये जीवन है, ये जीवन मेरे लिए दुख निर्माण करता है। इस दुख से परे जो सुख है, जो समाधान है, वो मेरे अंदर है। जब मैं इन बातों से रूबरू हो जाऊं, अनित्य अनात्म और दुख, तो फिर ना मैं दुखी रहूंगा, क्योंकि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध क्या कहे, मेरे जैसा परम सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। बड़ी सुंदर कहानी है। एक राजा गया बुद्ध के पास, बुद्ध और राजा का संवाद है, शायद बुद्ध एंड इस धम्म भी ये कहानी पढ़ लीजिएगा। तो दोनों में वार्तालाप हुआ कि सुखी कौन है, और राजा अपने पूरे लवाजमे के साथ गया। बुद्ध पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे, वंदन करके बोला कि तुम्हारे पास क्या है। बुद्ध ने कहा मैं परम सुखी हूं, तुम कैसे सुखी हो सकते हो, तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, बैठिए पास में। बैठ गए। तो उन्होंने कहा मैं यहां दिन भर शांति के साथ आराम से बैठ सकता हूं, क्या आप बैठ पाएंगे।
राजा ने कहा, हाँ कोशिश करता हूँ, शायद मैं बैठ पाऊंगा दिन भर। ओके, क्या पूरा दिन पूरी रात बैठ पाओगे? हाँ हो सकता है, 24 घंटे तो बैठ पाऊंगा। फिर बुद्ध ने कहा, एक दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, दो दिन बहुत ही तकलीफ होगी, तीन दिन बड़े असंभव है। तो बुद्ध ने कहा, मैं 7 दिन और 7 रात सुखपूर्वक शांति से यहीं बैठ सकता हूं। क्या आप कर सकते हैं? राजा ने कहा, नहीं यह असंभव है, मेरा ये कौन देखेगा, मेरा खजाना कौन देखेगा, सरहद कौन देखेगा? तो ये तय हो गया कि नहीं, सुखी कौन है? चिंतित तुम हो, परेशान तुम हो, परेशान मैं नहीं हूं। तो बुद्ध ने कहा, सुख हमारे अंदर है, हमारे पास है। सो और कबीर ने तो बहुत अच्छा कहा इसको, कबीर क्या कहते हैं, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह है, और जिसको चाहत है वो तो भिखारी है। कबीर इस तरह से फटकारते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेफिकिर। फिकिर ही नहीं है किस बात की, क्योंकि चाहत ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको कुछ चाहिए नहीं वो क्या मांगेगा, और जिसको चाहत है वो तो मांगता फिरेगा, वो तो भिखारी है। भीख नहीं मिलेगा तो रोएगा, नहीं मिलेगा तो दुखी होगा, चिंता करेगा। तो यह बहुत बड़ी शिक्षा है बुद्ध धर्म की, कि आपका सुख जो है, आपका समाधान जो है, वो आपके मन के अंदर है, बाहर किसी भी चीज में नहीं है, ना नौकरी में है, ना पैसे में है, ना बंगले में है, ना गाड़ी में है, ना प्रियजनों में है, किसी में भी बाहरी सुख नहीं है। वो सब कुछ हमारे लिए ठीक से सहजता से जीवन जीने के साधन है। ये जो कुछ भी है, पैसा है, जीवन जीने का साधन है, वो ध्येय नहीं है। परिवारजन है, जीवन जीने के साधन है, वो ध्येय नहीं है। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी परिवारजन है, जो भी लोग हैं, वो ठीक से जीवन जीने के लिए साधन है, लेकिन ध्येय जो है वो सुख है। और इन सारी बातों को ही हम सुख मान के चले हैं। तो इसलिए ये ध्यान साधना बुद्ध धर्म में जिसको भी सुखी होना है उसके लिए ध्यान साधना महत्वपूर्ण है। तो यह ध्यान साधना का उद्देश्य है, चित्त की शुद्धि जो हमें सुख देगी, उस चित्त के शुद्धि के लिए ध्यान साधना अहम हिस्सा है। हाँ? मराठी में बहुत अच्छी तरह से लिखा, चित्त शुद्धि धम्म का सार सार आहे। और हिंदी में चित्त शुद्धि नहीं लिखा है, मन को संस्कार ऐसा कुछ तो भी लिखा है, तो वो उतना अच्छा नहीं, लेकिन मराठी में बिल्कुल चित्त शुद्धि लिखा है। सो एनीवे, मुझे लगता है हमारा समय हो गया है, और मैंने जो भी अभी आपको प्रास्ताविक के तौर पर बताया, यही जो बात है, यही बात हम अभी विस्तार से आने वाले कुछ दिनों में करने वाले हैं। सो ठीक है, तो मुझे लगता है आपने बड़े शांति से सुन लिया, तो अब इसके ऊपर चिंतन भी कीजिए, कि और हो सके तो बार बार इस शब्दों को मन में लाइए और उसके ऊपर चिंतन करते रहिए, कि जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ भी गलत है, जो कुछ भी सही है, मन में निर्माण होता है, क्या ये सही है गलत है? चिंतन कीजिए, आप सोचिए इसके ऊपर। केवल मैंने बताया, आपने सुना और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, मन केंद्र स्थान में है, सोचिए इसके ऊपर, सही में मन केंद्र स्थान में है क्या?
चिंतन कीजिए। सब चीजों में मन पहले आता है, तो इस बात पर सोचिए। तो ये जो कुछ भी बातें हैं, उस बात को सोचते रहिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है, इसके ऊपर गौर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।